You know, in the past, Indians did not care much about their skin, but recently India में स्किन केयर इंडस्ट्री जो है वो हाई लेवल पे चल रही है. व्हाई? बिकॉज इंडियंस उन्होंने अपनी स्किन का ध्यान रखना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है. एंड इसी चीज़ की वजह से दो पर्टिकुलर ब्रांड जो है इंडियन इंडस्ट्री में, इंडियन स्किन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन एंड पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं अमंग इंडियन कंज्यूमर्स. आई एम टॉकिंग अबाउट प्लम गुडनेस एंड mCaffeine. एंड उनके दो बहुत ज़्यादा फेमस फेस वॉशेस की इस वीडियो में बात करूंगा. टुडेज़ वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कंपनीज के क्लेम्स के बारे में कि वो क्या क्लेम करते हैं, कि ये किस पर्टिकुलर स्किन टाइप के बारे में है एंड किस स्किन कंसर्न को ये दोनों फेस वॉशेस एड्रेस करते हैं. देन सेकेंड वी विल डू इंग्रेडिएंट्स एनालिसिस, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या इन क्लेम्स को बैकअप करने के लिए इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, मेन कोर इंग्रेडिएंट्स उनके पास. देन थर्ड I will talk about मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इन दोनों फेस वॉशेस को यूज करने का. देन एट लास्ट आई विल रीच अ कंक्लूजन, जहां पे मैं बात करूंगा कि कौन सा फेस वॉश बेटर है, किस स्किन के लिए बेटर है एंड किस स्किन कंसर्न को ये एड्रेस करता है. सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. स्टार्टिंग विद द क्लेम ऑफ प्लम. प्लम कहता है कि ये पर्टिकुलर फेस वॉश जो है वो ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड पर्टिकुलरली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बनाया गया है, जो आपको मदद करता है क्लियर स्किन अचीव करने में, सो दैट कि आपको एक्ने की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी. नाउ टॉकिंग अबाउट द mCaffeine's नेकेड डिटॉक्स ग्रीन टी फेस वॉश. ये कंपनी क्लेम करती है कि दिस फेस वॉश इज मेड फॉर all skin types and this particular face wash is aimed at reversing the damage of pollution and sun damage while providing moisturization and providing you a healthy glow. Now let's move on to ingredients analysis. सबसे पहले प्लम के ingredients हम चेक करते हैं. इसमें 3 मेन कोर ingredients हैं जो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपनी की मिनिमलिस्टिक अप्रोच है आपको सोल्यूशन देने के लिए स्किन केयर का. इसमें 3 मेन ingredients हैं, ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट, ग्लाइकोलिक एसिड एंड सेलुलोज बीड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा रेनाउंड इंग्रीडियंट है जो स्किन केयर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. वाई? बिकॉज इट इज़ प्रूवन टू फाइट ऑफ एक्ने एंड कंट्रोल ऑयल ऑन योर स्किन. इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी एंड्रोजेनिक, एंड बहुत ही ज़्यादा एक सेफ एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एंटी एंड्रोजेनिक जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से सीबम की रेगुलेशन जो है वो कंट्रोल में रहती है. एंड्रोजेंस हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं, अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारी बॉडी में सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ऑयली ज़्यादा स्किन होगी एंड बहुत ज़्यादा आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी. सो ये चीज़ जो है वो सॉल्व हो जाती है ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट से. देन हमारे पास आता है ग्लाइकोलिक एसिड जो एक AHA है. AHA मीन्स अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स. एसिड्स का नाम सुन के डरने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा स्किन फ्रेंडली एसिड्स होते हैं. दिस पर्टिकुलर एसिड इज एन एक्सफोलिएटर. ये इसका साइज जो है, मोलेक्युलर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर ये ईजिली पेनिट्रेट करता है, ईजिली अंदर जा सकता है एंड अपना कमाल दिखाता है. देन एट लास्ट सेलुलोज बीड्स. बीड्स यूजुअली एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं हमारी मरीन लाइफ के लिए, बट ये सेलुलोज बीड्स हैं, प्लास्टिक बीड्स नहीं हैं. जो स्किन फ्रेंडली तो हैं ही हैं, साथ में इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी हैं. सो ये आराम से आपकी स्किन के ऊपर माइल्ड सी एक्सफोलिएशन दे देते हैं. लेट्स टॉक अबाउट mCaffeine नेकेड डिटॉक्स ग्रीन टी फेस वॉश के इंग्रेडिएंट्स के. इसमें दो इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल एग्जैक्टली प्लम के इंग्रेडिएंट्स जैसे सेम हैं, जो हैं ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट एंड ग्लाइकोलिक एसिड. सो सेम जो बेनिफिट्स वो देगा वो बेनिफिट्स इसमें भी मिलेंगे. देन दो इंग्रेडिएंट्स जो मेन और इसमें हैं वो ये हैं, इसमें विटामिन सी भी है एंड हाइलुरोनिक एसिड भी है. विटामिन सी जो है वो एक बहुत ही अच्छा विटामिन होता है आपकी स्किन को ग्लो देने के लिए. अगर यूजली डल सी स्किन रहती है सो ये इंग्रेडिएंट जो है पर्टिकुलरली हेल्प कर सकता है एक आपको हेल्थी सा ग्लो देने के लिए एंड आपकी स्किन को जो है वो इवन टोन बनाने के लिए. अगर डार्क स्पॉट्स हैं तो ये आसानी से वो रिमूव कर देगा. देन हाइलुरोनिक एसिड. हाइलुरोनिक एसिड एक ह्यूमेक्टेंट होता है जैसे ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो एक एक्सफोलिएंट है, ये ह्यूमेक्टेंट है। ह्यूमेक्टेंट मीन्स ये क्या करता है, इसका काम होता है आपकी स्किन का जो डीप मॉइस्चर होता है उसको स्किन लेवल पे लाके मॉइस्चर लॉक करके आपकी ऊपर वाली आउटसाइड वाली जो स्किन होती है उसको प्लम्प बनाता है, उसको ड्यूई सा लुक देता है एंड मॉइस्चर जो है वो रेगुलरली प्रोवाइड करता रहता है। सो बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है मॉइस्चर देने के लिए एंड विटामिन सी जो है बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है पर्टिकुलरली आपको डल स्किन के साथ फाइट करने के लिए। बट हियर इज वन थिंग अबाउट विटामिन सी, विटामिन सी जो होता है वो ज़्यादा यूजफुल जो होता है, ज़्यादा इफेक्टिव जो होता है वो सिरम्स के बीच में होता है। यूजली फेस वॉश में इसकी जो क्वांटिटी होती है वो इतनी खास नहीं होती एंड एज यू कैन सी कि विटामिन सी काफ़ी लास्ट में जाके इन्होंने जो है वो लिस्ट किया हुआ है, दैट मीन्स कुछ क्वांटिटीज़ में ज़्यादा विटामिन सी की नहीं होगी। ऑनेस्टली मैंने सबसे ज़्यादा फेस वॉश जो इन दोनों में से यूज़ किया हुआ है दैट इज़ डेफिनेटली प्लम्स। वाई? बिकॉज ये स्पेसिफिकली मेरी स्किन टाइप के ऊपर फोकस्ड है। ऑयली, एक्ने प्रोन एंड कई बार कॉम्बिनेशन स्किन स्पेशली इन द मंथ्स ऑफ विंटर्स। इस पर्टिकुलर फेस वॉश ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की हुई है मेरे एक्ने को कंट्रोल करने में। यूजली पास में मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम होती थी, बट अब डेफिनेटली एक्ने ब्रेकआउट्स मुझे होते हैं बट वो काफ़ी ज़्यादा अब लिमिटेड हो चुके हैं। mCaffeine की अगर मैं बात करूँ, ये पर्टिकुलर फेस वॉश जो है मैंने 2 मंथ्स के लिए यूज़ किया हुआ है। द गुड थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर फेस वॉश इज़ दैट कि ये मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करता है। हालांकि प्लम का फेस वॉश भी मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है बट ड्यू टू द फैक्ट दैट इट हैज़ हाइलुरोनिक एसिड ये मॉइस्चराइजेशन को लॉक करके रखता है, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इफ़ आई टॉक अबाउट विटामिन सी, देन विटामिन सी की मैंने बात पहले भी की हुई है कि फेस वॉश इसमें ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता बिकॉज इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इतनी सही नहीं होती। इसमें भी mCaffeine के फेस वॉश में काफ़ी लो जाके इसको मैंशन किया हुआ है which clearly means कि इसमें इंग्रेडिएंट वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो मेरे को कुछ खास उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिला। इफ आई टॉक अबाउट ग्लाइकोलिक एसिड एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से मेरे एक्ने कंट्रोल में होने चाहिए जो काफ़ी हद तक थे बट आई डिडंट सी एज इफेक्टिव रिजल्ट एज प्लम्स पर्टिकुलर फेस वॉश। नाउ लेट्स रीच द कंक्लूजन। कंक्लूड करते हैं होल वीडियो को। सबसे पहले मैंने बात की थी दोनों कंपनीज के क्लेम्स के बारे में। एक प्लम क्लेम करता है कि ये ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए है। क्या ये पर्टिकुलरली उन स्किन टाइप्स के लिए है? एब्सोल्युटली येस। वाई? बिकॉज इसमें ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट है एंड ग्लाइकोलिक एसिड है जो डेफिनेटली मदद करता है आपकी एक्ने प्रोन स्किन को फाइट ऑफ करने के लिए। आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है एंड या इवन थोड़ी सी भी सेंसिटिव स्किन है, ये आपके लिए फेस वॉश बिल्कुल भी नहीं है। वाई? इट्स नॉट बिकॉज की कंपनी क्लेम नहीं करती, इट्स बिकॉज इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है। मैंने पहले भी बात की कि ग्लाइकोलिक एसिड का मोलेक्युलर स्ट्रक्चर जो होता है वो छोटा होता है, स्किन को डीपली पेनिट्रेट कर पाता है, उसकी वजह से सेंसिटिव स्किन वालों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो mCaffeine, mCaffeine में स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये कंपनी क्लेम करती है कि ये हर किसी स्किन टाइप के लिए है एंड ये आपको हेल्थी ग्लो देता है, पोल्यूशन एंड सन डैमेज का जो इफेक्ट्स हैं उसको रिवर्स कर देता है। क्या ये हर किसी की स्किन टाइप के लिए है? एब्सोल्युटली नॉट। जैसे मैंने प्लम के लिए बोला कि उसमें ग्लाइकोलिक एसिड है एंड उसकी वजह से ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो सकता है। सो डेफिनेटली सेंसिटिव स्किन के लिए मैं बिल्कुल भी फेस वॉश रेकमेंड नहीं करूंगा। अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्किन, क्या पता आपकी स्किन टॉलरेट कर जाए इस फेस वॉश के लिए। सो पैच टेस्ट ज़रूर करना। एंड क्या ये पोल्यूशन एंड सन डैमेज के इफेक्ट को रिवर्स करता है? आई वुडंट टॉक अबाउट रिवर्स करता है बट डेफिनेटली प्रोटेक्ट आपकी स्किन को ज़रूर करेगा। सो पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर नॉर्मल एंड ड्राई स्किन। सेंसिटिव स्किन के लिए आई वुडंट रेकमेंड। एक्ने प्रोन स्किन है देन आई वुड से योर बेस्ट बेट वुड बी प्लम्स Green Tea Face Wash. Now guys, this was the review of 2 most famous face washes in India. If you happen to like this video, please give it a big thumbs up and make sure to subscribe to my channel and hit the bell icon, and please make sure to share this video with your friends. I'll see you next week with next video. Till then, see you. Goodbye.